मैं डॉक्टर हेमलता काटे, सहायक प्राध्यापक बालासाहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज मैं आपको हिंदी के कारक प्रत्ययों का परिचय देने वाली हूँ। चलो हम कारक प्रत्ययों का परिचय देखें। हिंदी के कारक प्रत्यय और उनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है उसकी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। वह देखने से पहले आपको कारक किसे कहा जाता है या कारक का सामान्य अर्थ जान लेना बहुत आवश्यक है। कारक का सामान्य अर्थ है करने वाला। कारक का दूसरा अर्थ बताया जा सकता है संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध स्थापित करने वाला रूप। तीसरा अर्थ बताया जा सकता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो। चौथा अर्थ है कारक को सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगते हैं उसे भक्ति प्रत्यय या कारक चिन्ह कहा जाता है। इस प्रकार कारक यानी संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने वाला रूप है। हिंदी में 8 कारक चिन्ह हैं। वह ध्यान में रखने के लिए एक बात आप करें, मैं इस प्रकार वह प्रत्यय इस प्रकार आप बोलने का प्रयास करें। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान कारक से बचा संप्रदान को के लिए संबंधन कारक रारी रे नानी ने काकी के, अधिकरण कारक में पर संबोधन कारक हे अजी अहो। इस प्रकार फिर से सुनिए, कारक प्रत्यय ध्यान में रखने के लिए इस प्रकार आप बोलने का प्रयास कीजिए। 8 प्रकार के कारक हैं जिनके नाम इस प्रकार है, उसके प्रत्यय इस प्रकार है। कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान कारक से बचा संप्रदान को के लिए संबंध कारक रारी रे नानी ने काकी के, अधिकरण कारक में पर संबोधन कारक हे अजी हो। इस प्रकार हिंदी में 8 कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले आज हम कर्ता कारक का परिचय देखेंगे। कर्ता कारक किसे कहते हैं यह जानना बहुत आवश्यक है। संज्ञा या स्वरनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी क्रिया करने वाले का बोध जिस संज्ञा या स्वरनाम से हमें ध्यान में आता है उसे कहा जाता है कर्ता कारक। कर्ता कारक के विभक्ति प्रत्यय है शून्य ने। शून्य का अर्थ है वाक्य में कर्ता के साथ प्रत्यय नहीं आता, जिसे अप्रत्यय कर्ता कारक भी कह सकते हैं। ने का अर्थ है वाक्य में कर्ता के साथ प्रत्यय आता है, जिसे हम सप्रत्यय कर्ता कारक भी कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ ये जो राम ने शब्द है जिसके नीचे अधोरेखित किया गया है, इसके लिए ने प्रत्यय लगा है, अतः यह सप्रत्यय कर्ता कारक है। दूसरा उदाहरण है लड़का पुस्तक पढ़ता है। इसमें लड़का यह कर्ता है और इसके साथ कोई प्रत्यय नहीं है, इसीलिए यह अप्रत्यय कर्ता कारक है। इस प्रकार कर्ता कारक के साथ हमेशा शून्य ने, शून्य अर्थात प्रत्यय नहीं आता, और ने प्रत्यय आता है जो क्रिया करने वाले का बोध आपको दिलाता है। दूसरा है कर्मकारक। कर्मकारक की व्याख्या इस प्रकार की गई है, जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाला शब्द कर्मकारक कहलाता है। कर्मकारक के प्रत्यय हैं शून्य और को। शून्य का अर्थ है कर्मकारक में प्रत्यय न होना, जिसे हम अप्रत्यय कर्मकारक भी कह सकते हैं। को का अर्थ है कर्मकारक में प्रत्यय होना, जिसे हम सप्रत्यय कर्मकारक भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, क्रिया के व्यापार का फल जिस वस्तु पर पड़ता है उसे कहा जाता है कर्म। उदाहरणार्थ राम ने रावण को बाण से मारा, यह रावण को, क्रिया के व्यापार का फल रावण को इस शब्द पर पड़ा है, इसीलिए रावण को यह कर्मकारक है। को जिसे प्रत्यय लगा है यह सप्रत्यय कर्मकारक है।
मोहन क्रिकेट खेलता है। इसमें क्रिकेट कर्मकारक है, जिसमें प्रत्यय नहीं लगा इसलिए अप्रत्यय कर्मकारक है। इस प्रकार कर्मकारक के बाद हम हिंदी के जो अन्य कारक प्रत्यय है उसकी जानकारी अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।